गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज क्षेत्रमिति मेंसुरेशन अध्याय 12 क्लास 10th मैथ्स है, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में आज बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि हर क्लास के लिए ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से आप जॉब की तैयारी करते हैं तो इसमें भी आपका वृत्त से संबंधित बेसिक कंसेप्ट रहना चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छा तरीका से रहता है तो सवाल सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन है। वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त का परिमाप, जीवा और चाप के बारे में बेसिक बातों को बताएंगे। देखिए क्या होता है कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहले वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है एक तल में स्थित होता है, फिगर से समझिए, एक तल में स्थित होता है और ये जो है एक बिंदुओं का समूह है। ये क्या है, एक बिंदुओं का समूह है जो नियत बिंदु से समान दूरी को बनाए हुए रहता है, हर एक बिंदु, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिख दिया गया है कि वृत्त एक तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। एक नियत बिंदु, ये नियत बिंदु से ये जो बिंदु है अचर दूरी पर, यानी कि इसका और इसका दूरी हर जगह समान होगा, ठीक है। तो इस नियत बिंदु को क्या कहते हैं, इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और अचर जो दूरी हुआ केंद्र से परिधि के बीच, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से सर्कल का परिभाषा क्या हुआ, एक भी तल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये आपका OA क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। O क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन में दिया कि वृत्त के केंद्र से होकर तल गुजारने पर प्राप्त हिस्सों को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या दिया कि वृत्त के केंद्र से होकर तल गुजारने पर, वृत्त के केंद्र से होकर, केंद्र से होकर तल को गुजार दिए तो दो पार्ट में बट गया, तो ये क्या हो गया अर्धवृत्त, ये क्या हो गया अर्धवृत्त। तो इसी को लिख दिया गया है केवल वृत्त के केंद्र से होकर तल गुजरने पर प्राप्त हिस्सों को अर्धवृत्त कहते हैं। यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तल जब केंद्र से गुजारते हैं तो एक भाग ये हो जाता है, एक भाग ये हो जाता है, यानी दो भागों में बांटता है। तीसरा है कि वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। देखिए वृत्त का परिमाप, देखिए क्या होता है कि दिया किसी वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। क्या दिया कि किसी वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय किया गया दूरी, जैसे ये कैसे चला, ऐसे चला, एक बार चल लिया, तो इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी हो गया वही क्या होता है, वृत्त का परिमाप कह ले, परिधि कह ले, सरकमफेरेंस कर ले, यही सब हुआ। अब है जीवा। जीवा में देखिए क्या होता है कि ये एक बिंदु और दूसरा बिंदु, तो जीवा में दिया वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। फिर देखिए चाप क्या होता है, वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं, एक सतत खंड को। ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया कि एक खंड है, लगातार का खंड है, तो इसको क्या कहते हैं, APB क्या को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इससे क्या है, इससे AB और ऐसे करके AB द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएं कि वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त का परिमाप, जीवा और चाप के बारे में, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 में फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।